हाँ जी सर, मैं श्वेता बात कर रही हूँ सर। अमरनाथ यात्रा के रिगार्डिंग बात करनी थी आपसे, बाबा कोई अमरनाथ डाउट। जी, बाबा अमरनाथ जी ना? बाबा हाँ अमरनाथ जी की। हाँ जी, हाँ जी जी, बताइए। सर, एक्चुअल में जैसे अगर हम अभी मेडिकल हो गया है हमारा, ठीक है, हमारे 5 लोग हैं हम साथ में, तो अभी जैसे कि अगर हमें स्टार्टिंग जुलाई के स्टार्टिंग डेज में जैसे दर्शन करना हो 5 to 10 के बीच में, तो ऑन द स्पॉट वहां जाकर रजिस्ट्रेशन हो सकता है? लाइक इसमें कितने परसेंट चांसेस रहेंगे कि वहां पे नहीं हमें वो डेट मिल जाएगी? देखिए, चांसेस तो मतलब 70% रहते हैं कि डेट मिल अच्छा। जाएगी। तो डेट कितने दिन में मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। 4 दिन लग जाए, अच्छा। 5 दिन लग जाए, 1 घंटे में मिल जाए, 2 दिन लग जाए, वो भीड़ के ऊपर होता है। और सबसे ज्यादा भीड़ शुरू शुरू में ही होती है, शुरू के 3 दिन अच्छा। में काफी भीड़ होती है। तो तो जो रजिस्ट्रेशन होती है ये जैसे पहलगाम बेस कैंप पे ही होगी या फिर जम्मू में ही नहीं, हमें कहीं जम्मू में कराना अभी होगा ये? यात्रा से पहले ना श्राइन बोर्ड डिक्लेयर कर देगा कि कहाँ कहाँ पे ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होंगे। तो जम्मू अच्छा। में सरस्वती धाम होगा या कहीं और होगा, तो वो एड्रेस हम वीडियो में बना के डाल देते हैं। और पिछली बार अच्छा तो पहलगांव में भी हो रहे थे। हाँ, अच्छा तो कुछ लोग जम्मू से और करवा देते हैं, कुछ पहलगांव से करवा देते हैं, कुछ पंथा चौक पे जाकर करवा देते हैं श्रीनगर में, जो बेस कैंप बना हुआ है वहां पे भी होते हैं। अच्छा। और एक और आपको ऑप्शन जैसे, बताऊं मैं, एक और, हाँ जी हाँ जैसे जी अगर आपका मेडिकल हो गया ना, हाँ जी हाँ ऑनलाइन जी दोबारा फॉर्म आने हैं, अभी हम भी वेट ही कर रहे हैं, हमारे कुछ लोगों का रह गया है। तो ऑनलाइन जैसे 400-500 फॉर्म आए, आप उसी टाइम बुक कर लेना, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा क्या है, तीसरा ऑप्शन, कि अभी किसी बैंक में जाके आप पता कर सकते हैं, तो बैंक में भी आपको फॉर्म मिल सकते हैं। ये स्टार्टिंग डेज के ये फॉर्म मिलेंगे जो हाँ, फुल मिल सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि हर बैंक में फुल हो गए। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ से कोई जाता नहीं है, तो वहाँ की बैंक में फॉर्म रहते हैं लास्ट तक भी। अच्छा। तो ये मतलब नियर बाय बैंक में जाकर हमें पता करना होगा? आपको भी ना पूरी जानकारी नहीं है, जो रजिस्ट्रेशन कराने के तरीके है ना, वो हाँ जी एक तो ऑनलाइन है, एक बैंक में हाँ जाके कराने का है, बैंक की लिस्ट आती है, जिन बैंकों का लिस्ट में नाम होता है उन्हीं से करा सकते हैं, ऐसा नहीं कहीं भी जाके करवा लो आप, ठीक है। ओके हाँ और जी तीसरा होता है ऑन द स्पॉट, तीन ही ऑप्शन होते हैं। तो पहले वाले का तो ये है कि ऑनलाइन वाले जो है फॉर्म अभी खत्म हो चुके हैं, लेकिन जो फॉर्म रिजेक्ट होंगे वो दोबारा से आते हैं, हर साल आते हैं, तो इस बार अभी तक आए नहीं है। तो आपका मेडिकल अच्छा। बना होगा, जैसे ही फॉर्म दोबारा अपलोड होंगे आएंगे, तो उसमें बुक कर सकते हैं, ये ऑप्शन हो गया फर्स्ट, अच्छा ठीक है। सेकंड, तो जिन बैंकों का लिस्ट में नाम है वो आपके घर के नियर बाई हैं, या आप कोई जुगाड़ निकाल सकते हैं फोन करके वहां पे, और उनसे पूछ सकते हैं कि हमें पहलगांव रूट के फॉर्म चाहिए, आपके पास नहीं, या सारे शॉर्ट आउट हो गए, वो कहेंगे नहीं हमारे पास है आपके ले जाओ, तो वहां भी करा सकते हैं। और वहां तो भी नहीं ये हुआ और जो यहाँ भी नहीं हुआ, तो लास्ट ऑप्शन बचता है ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो इसमें सर जैसे कि बैंक वाला जो है वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ही होगा ना? वो जैसे फॉर्म अभी यहाँ से जैसे फिल कर लेंगे और वो हमें लेकर उस डेट को जाना होगा इस तरीके से, जैसे मेडिकल बिल्कुल हमारा हो रहा बिल्कुल बिल्कुल, है? अच्छा ठीक है। तो अभी मैं ओके सर, और इसका एक भगवती नगर बेस कैंप से जाना लाइक इजी रहेगा? लाइक क्योंकि वहां पे स्टार्टिंग के टाइम पे काफी ज्यादा भीड़ रहेगी ना, तो लाइक क्या इजीएस्ट इजिएस्ट रूट होगा जो हमें, क्योंकि हमें सबसे जो कितनी करना है लोग यात्रा वो पहलगाम से करना है? कितनी लोग आप, हाँ जी हम 5 लोग हैं। तो अपनी पर्सनल गाड़ी कर लीजिए, सबसे इजी चाहिए तो, कंफर्टेबल चाहिए तो। अच्छा। तो वो लाइक जम्मू से ही होगा जो पर्सनल जैसे कार अगर हम व्हीकल करते हैं? फिर आप उधमपुर से करो, जम्मू के जाना है आपको, उधमपुर उतरो, ताकि 90 रुपये, 90 किलोमीटर का और खर्चा कम हो आपका। अच्छा, 90 किलोमीटर है उधमपुर से, तो वो हम हमें डायरेक्टली लाइक पहलगाम बेस कैंप ही वो पहुंचाएंगे? हाँ, पहलगांव बेस कैंप हो जाएंगे, उसके बाद आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे, आपका एक्स्ट्रा लगेज जो होगा वो गाड़ी में रहेगा, जैसे हम लोग करते हैं। आपने हमारी वीडियो देखी है शायद यूट्यूब पे ना? मेरी फ्रेंड ने लाइक उन्होंने ही आपका नंबर शेयर किया हाँ, है, तो शायद थोड़ा उसकी सा आपसे बात भी हुई इसलिए होगी। हमने काफी हाँ कुछ जी ध्यान डाला हुआ है यूट्यूब पे ना, तो अगर आप यूट्यूब पे अच्छा वीडियो अच्छा देखेंगे तो काफी कुछ आपको यात्रा में से सपोर्ट मिलेगी। तो हम लोग भी अपनी गाड़ियां करते हैं, बसें करते हैं, उससे हमें ये बेनिफिट अच्छा रहता है कि हमारा सारा लगेज वगैरह जो है बसों में छोड़ देते हैं, तो सारा कैरी नहीं करना पड़ता साथ में, और फिर वही अच्छा गाड़ी हमारी बालटाल आ जाती है, जैसे हम बालटाल यात्रा करके उतरते हैं, तो उन्हीं गाड़ियों में जी बालटाल आके फिर हम अपना आगे निकलते अच्छा ठीक हैं। ठीक है, तो ओके हाँ आप थैंक चैनल पे देख लीजिएगा, सारे अपडेट हैं। फिर भी यू। अगर बाई चांस हाँ कोई जी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अच्छा कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई कर देंगे आपको, ठीक है। ओके ओके सर ठीक। ओके।